कि भाई हम किस वर्जन पर काम करें, हम अपने प्रोग्रामर की तैयारी के लिए कौन सा वर्जन पढ़े। ये बहुत टफ सवाल है। देखिए, जो जावा के मेन जो चेंजेज हुए हैं, अपन उसकी बात करते हैं। जावा के मेन चेंजेज जो आपके आए हैं, देखिए JDK 5 में चेंज आया, फिर JDK 8 में चेंज आया, फिर JDK और मैं बीच को गायब करके फिर कह रहा हूँ 16 में आया। JDK 11 में भी था, 9 में भी था, बीच में गायब करके, क्योंकि तीन अपने पास क्या है, ये तीन एक तरीके से अपने पास वो पॉइंट है जहां पर कि हमें अपना पड़ाव डालना है। काफी सारे फीचर्स थे जो कि JDK 5 में ऐड किए गए, काफी सारे फीचर्स थे जो कि JDK 8 में ऐड किए गए, और काफी सारे फीचर्स JDK 16 में ऐड किए गए। आप इनमें से कोई सा भी एक्सेस कर सकते हैं। आप JDK 8 तक कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में जो मेन मेन फीचर है वो ले लीजिए। अपन तो क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, आपको जस्ट बताने के लिए कि भाई हम कौन सा वर्जन पढ़ें। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आएगी जब आप मार्केट में बुक खरीदने जाएंगे, तो अगर आप लेटेस्ट बुक लेते हैं, JDK 18-19 वाली बुक अगर आप लेते हैं तो बहुत कॉस्टली है, भले आप कंप्लीट रेफरेंस ले रहे होंगे, ट्राई किए ना आपने, तो कौन सी बुक हम मार्केट से लें जो आपको कंफर्टेबली मिल रही है। तो 15-16 वर्जन वाली बुक्स जो है वो मार्केट में सही अवेलेबल है, सही रेट्स पर मिल जाएंगे, वो आप ले लीजिए, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक बात है, चले आगे। जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम, सर एक सेकंड सर, कई बार पेपर बहुत लेट हो जाता है, मान लीजिए हो ही जाता है लेट, तो फिर तब तक अभी जो हम मान लीजिए 21 वगैरह नहीं को लेटेस्ट मान रहे, वो नहीं पढ़ रहे पेपर लेट के केस में, पेपर तो लास्ट में बनेगा, तब अगर उनमें से बनेगा तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए इसमें आप, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स ज़्यादातर चेंज नहीं होते। अगर आप फीचर रिलीज की बात करें तो नए नए APIs आ जाती है, बस नए नए पैकेजेज ऐड हो जाते हैं, कंसेप्चुअली ऐड नहीं होता। इसीलिए मैंने इन तीन वर्जन्स की बात की, इनमें कंसेप्ट्स ऐड हुए, इनमें कंसेप्ट्स ऐड हुए, चीजें ऐड हुई हैं, जैसे स्विच के साथ में क्या काम में ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, इस तरीके की चीजें ऐड हुई है। तो वो जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो ऐड नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए JDK और JRE में एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं। हमने कहा JDK क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें JDK इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है साहब। JDK के अंदर हमारे पास जावा के प्रोग्राम को रन करने से रिलेटेड भी यूटिलिटी होती है, और कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज हमारे पास होती है। जो रन करने वाला भाग है इसको मैं JRE बोल रहा हूं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बोल रहा हूं। मतलब JRE क्या है, सबसेट ऑफ JDK। JDK का सबसेट है जो कि मेरे प्रोग्राम को रन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक बात है। रन करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे किसी प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो उसके लिए मेमोरी भी चाहिए, उसके लिए प्रोसेसर भी चाहिए, है ना, उसके लिए कहीं मेमोरी स्पेस भी चाहिए। ये सब कौन लाके देगा, JVM लाके देगा। ये सब कौन लाके देगा, JVM, जावा वर्चुअल मशीन।
जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाएं, वो सारे रिसोर्सेज जेआरई को कौन लाके दे रहा है? जेवीएम लाकर दे रहा है। जावा वर्चुअल मशीन, जावा की झूठ मूठ की मशीन, हंड्रेड परसेंट बात क्लियर है भैया? ठीक है गुड्डी जी, क्लियर है? चलिए अब आई बात जावा को इंस्टॉल कैसे करें। बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई भी छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल हो जाए, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आप ओरेकल की साइट पे जाइए, जो भी जेडीके का वर्जन है आप डाउनलोड कीजिए, डबल क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, अपने आप वो कहीं फोल्डर प्रोग्राम फाइल्स में जाके इंस्टॉल होगा, हो जाएगा, आपने क्या फर्क पड़ा, हो जाएगा। सिंपल है, कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आप बहुत बड़े दूसरे सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी एनवायरनमेंट सेट करना होता है, कई चीजें होती हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें ओएस के अकॉर्डिंग करेंगे ना सर? कैसे? जेडीके को डाउनलोड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो बात करेंगे, ओएस के अकॉर्डिंग करेंगे। इनका कहने का मतलब है क्या, लिनक्स और विंडोज मान के चले एग्जाम्पल, दोनों के लिए मुझे अलग अलग जावा डाउनलोड करनी है? हाँ जी, अलग अलग करनी है ना, अभी बात करेंगे। सिस्टम का भी रहता है सर, 32 बिट 64 बिट? देखिए ये तो आपके चेंजेस हैं ही, ये तो सिस्टम के चेंजेस तो होंगे होंगे, 32 बिट 64 बिट वाले जो चेंजेस है ना वो तो होंगे ही होंगे। अपन बात करेंगे अभी, जावा एप्लीकेशंस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट जावा इटसेल्फ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। हम सामान्यतया गलत बोलते हैं, हम कहते हैं जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सामान्यतया जब अपन बोलते हैं तो अपने बोलने में क्या आता है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, नहीं गलत बात है, जावा एप्लीकेशंस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इटसेल्फ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो वो 32 बिट के लिए अलग होगी, 64 बिट के लिए अलग होगी, लिनक्स के लिए अलग होगी, विंडोज के लिए अलग होगी, एंड सो ऑन। ठीक है ना, अपन अपन जब बात करते हैं ना तो अपने मुंह से यही निकलता है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा एप्लीकेशंस, जावा प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन जैसे हमें केवल जावा एप्लीकेशन रन करना है तो क्या जेआरई भी डिपेंडेंट है? हाँ जेआरई डिपेंडेंट है ना। अच्छा, वो डिपेंडेंट है। हाँ जेआरई ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक ही प्रोग्राम, अपन बात करेंगे डिटेल में, शायद अपन आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया तो ये प्रोग्राम लिनक्स पे भी यही प्रोग्राम काम करेगा, विंडोज पे भी यही करेगा, 32 बिट 64 बिट पे भी यही प्रोग्राम काम करेगा। बस जेआरई इंस्टॉल कर लेना, जेआरई वही होगा जो उस वर्जन का है। ठीक है, चले आगे।